जाहिर सी बात है काफी सारे स्कूल हमारे साथ मौजूद हैं। श्री लाली साहब ने जिन्होंने अरेंज किया है बेसिकली सारा मामला इनके तवसुस से हुआ है, और अब जो है वो हम बेसिकली इंट्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड के बारे में आप लोग बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे भी और बहुत सारे लोगों के लिए शायद नया भी हो। अभी तक आप लोग रेफरेंट बोर्ड से कराची बोर्ड है या इंटरमीडिएट बोर्ड है, डिफरेंट बोर्ड से जो है वो आप एफिलेटेड होंगे अपने अपने स्कूल्स के एतबार से। कुछ लोग शायद ऐसे भी हों जो कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड से पहले से मुंसलिक हों या हमारे बारे में जानते हों, लेकिन हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बोर्ड के हवाले से करना चाह रहे हैं ताकि ये कि जो बेसिक नो हाउ है हमारे बोर्ड के हवाले से वो आप सबको जो है वो पता चल जाए। मिस बीना से मैं चाहूँगा कि वो स्टार्ट लें, ये हमारी बेसिकली करिकुलम और अकेडमिक्स को देख रही होती, और डॉक्टर आयशा हमारे साथ हैं, हमारे एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, नफीस साहब हमारे साथ हैं, डिप्टी कंट्रोलर हैं, अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब भी जो है हमें ज्वाइन कर लेंगे, कि उससे पहले हम एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो बोर्ड के हवाले से स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं शायरी सर्जी रसेलिया। राइट, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़ियाउद्दीन एग्जामिनेशन बोर्ड के बारे में। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड इज अ प्रीमियर एजुकेशनल बॉडी डेडिकेटेड टू अपहोल्डिंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, और ऑफ कोर्स एस्टैब्लिश हुआ था विद अ विजन टू फॉस्टर अ रोबस्ट एजुकेशनल एनवायरनमेंट, एंड जो बोर्ड है वो कमिटेड है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ और डेवलपमेंट बच्चों की दोनों साथ साथ लेके चलें विद इट्स करिकुलम, एंड ऑफकोर्स भी पेडागॉजी, उनको पढ़ाने का तरीका करिकुलम को, सिलेबस को और उसके असेसमेंट को। मैनेजमेंट में वी हैव डॉक्टर आसिम हुसैन एज चांसलर ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर निदा एज चेयरपर्सन ज़ियाउद्दीन, एंड डॉक्टर नासिर एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़ियाउद्दीन बोर्ड, एंड डॉक्टर आयशा हसन एज कंट्रोल एग्जामिनेशन, एंड वी हैव मुस्ताना हुसैन एज डायरेक्टर करिकुलम। प्रिटी मच एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो हमारा है वो इट इज प्रिटी मच एज इज विद अदर बोर्ड्स, राइट। तो दो एनुअल्स होते हैं, एनुअल वन और एनुअल टू। एनुअल वन जो है वो आपका समर्स में हो रहा होता है, मई टिल जुलाई की इसकी डेट्स टेंटेटिव होती हैं। बच्चे के पास ये चॉइस होती है कि वो अपना तीन पेपर या दो पेपर जो है वो मई जून के अंदर अपियर हो जाए, बाकी तीन पेपर्स के अंदर वो अक्टूबर नवंबर या नवंबर दिसंबर में उनकी अटेम्प्ट होती है उसके अंदर अपियर हो जाए, ताकि वो ब्रेक करके भी अपने एग्जाम दे सके। ऐसे कोई बच्चा नहीं कैटर कर पा रहा कि मैं एक वक्त में छह सब्जेक्ट देना नहीं चाह रहा, वो अफोर्ड नहीं कर सकता उस वक्त, या उसकी जो है वो स्टडीज उस लेवल पर नहीं है कि वो अच्छे मार्क्स उसमें गेन कर लेगा, तो ये भी कर सकता है कि अपने सब्जेक्ट्स को ब्रेक कर दे, तीन सब्जेक्ट्स को एनुअल वन में दे दे, तीन को एनुअल टू में दे, या किसी वजह से एनुअल में वो नहीं अपीयर हो पाया या उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी या वो एग्जाम के दौरान उसकी ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो सेम उसी तरीके से एनुअल टू में भी अपीयर हो सकता है। उसकी मार्कशीट पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं होगा कि ये बच्चे ने सप्लीमेंट्री में एग्जाम, क्योंकि सप्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। तो इसी के अंदर सर आपने एक चीज देखी कि जो एनुअल वन की डेट संभाली है वो मई जून की है, यानी ये वही डेट है कमोपेश जिसमें तमाम बोर्ड जो है वो एग्जाम ले रहे होते हैं, और इसके ऑलमोस्ट हाफ ईयर बाद यानी कि पांच से छह महीने के बाद हमारे एनुअल टू के एग्जाम्स आते हैं, जिसके अंदर इवन बच्चा अगर आप चाहें तो फ्रेश इनरोल भी कर सकते हैं, कि अगर आपने अपने बच्चों को आधे बच्चों को फर्स्ट ईयर में इनरोल कराया था मई जून के अंदर, तो आधों को आप चाहें तो सेकेंड एनुअल के अंदर यानी कि नवंबर दिसंबर में भी इनरोल करा सकते हैं। तो इससे एक तो सप्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, और दूसरा ये हुआ है हमारे पास कि आपके पास चॉइस आ गई कि आप दो मरतबा पेपर या पीयर बच्चों करवा सकते।